जिलाधिकारी द्वारा कुछ प्रतिष्ठानों को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति के बाद एडीएम फाइनेंस के कार्यालय पर पास बनवाने वाले की काफी संख्या देखी गई। सभी लोग पास बनवाने को बेचैन नजर आए, जबकि जिला प्रशासन ने ई पास की व्यवस्था की है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अब जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कतिपय दुकानें मंगलवार से अपना कार्य करेंगी, जिसका आदेश सोमवार को निर्गत किया गया था, जिसके तहत व्यवस्था ही ऑनलाइन पास जारी होगा। दुकान पर जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें, जिसके अकाउंट में जाएगा वह उसका पास जारी करेंगे। जिन दुकानदारों को अनुमति दी गई है वह दुकान खोले, सभी का पास जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, लेकिन ऑनलाइन करेंगे तब आप इसको जो है कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, क्या नंबर है? मोबाइल नंबर मांगना था हमने, मोबाइल नंबर आया होगा ना, तो उसके बाद फॉर्म भरेंगे आप ना। अरे यार आप तो क्या, ये सर ने अलाउ किया आप जब फॉर्म भरें, ओ टी पी आया है ना, ओ टी पी आप गलत करिए, अटैच कर लीजिएगा तो सब कुछ जान हो गया योजना के लिए। अभी कोई मोबाइल से कर लीजिए सर, मोबाइल में ऑप्शन आ रहा है सेल्फ में, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी का नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, हाँ मेडिकल इमरजेंसी आ रहा है। तो आपका आपके साथ क्या है, डेथ की केस, डेथ केस है ना। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन में जाइए, उसमें कर लीजिए, ठीक, वो तुरंत हो जाएगा। आप अपने मोबाइल से अभी कर लेंगे सर। ऑनलाइन मैंने किया है तो ये नंबर ग्रुप क्या आना पड़ता है? आपने कर दिया ना जी सर, तो अगर वो होगा प्रशासन के ने जो निर्णय लिया है उसके अंतर्गत होगा, तो ये आपको मैसेज पहुंच जाएगा। ये नंबर नहीं कहीं दूर कराने की जरूरत, आप घर बैठिए मैसेज आ जाएगा। 27 तारीख को मुलाकात की, आधार कार्ड लोकल के सर ने एप्लीकेशन देखा था तो बोला था कि लेकर के पूरा डिटेल लेकर के, तो डिटेल लेकर के आए। आर्थिक भरण पोषण आप लोगों को भोजन वगैरह की दिक्कत हो रही है क्या सर? जैसे कि हम लोग का पूरा कारोबार ही बंद हो गया है, कारोबार तो सब बंद है, हर चीज की दिक्कत हो रही है। भोजन के लिए दिक्कत हो रही है तो वो बताइए, क्लियर कट बताइए तो वो व्यवस्था कराइए। हाँ सर, कहाँ कहाँ से हम लोग सबका डिटेल इसमें दिया गया है। मैं तो सर 26 लोग का, ये खाता नंबर आपने लिखा है ना सर, ने खाता नंबर ही मांगा। ठीक है। लिखे सर से जो डेडलाइन हुआ है 11 बजे से 5 बजे, क्या उस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि कतिपय दुकानें आज से अपना कार्य करेंगी, इसके बारे में कल एक विस्तृत आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्गत किया गया था, वो आज समाचार पत्रों में छपा भी है। उसमें यही व्यवस्था है कि जो हमारा ऑनलाइन ई पास का पोर्टल है, दुकान पर जो भी कार्य करने वाले कर्मी हैं उस ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें, वो जिसके अकाउंट में जाएगा, जैसे शहर के अंदर के लिए उप जिलाधिकारी सदर के अकाउंट में जाएगा तो उनके स्तर से उसका अनुमोदन किया जाएगा। और इस तरह अगर कोई व्यक्ति पास दुकान खोलता है, कर्मचारी नहीं, अभी एक दो दिन में धीरे धीरे सभी के पास जारी हो जाएंगे, हो सकता है आज सभी के पास जारी ना हो, परंतु जिन दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमति दे दी गई है वे दुकान खोलें, ऑनलाइन ई पास अप्लाई करें और एक दो दिन में सभी को पास जारी हो जाएगा। कर्मचारियों न्यूनतम संख्या में रहें, आधे या एक तिहाई कर्मचारी रहें तो उचित रहेगा।